हेलो फ्रेंड्स, वक्त मैं जीएसएम राकेश हैं। फ्रेंड ये है सैमसंग का A12 फ़ोन और इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है लाइट की, और एक प्रॉब्लम और आती है यहाँ पर मैं पहले दिखा देता हूँ कि इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने इसका लाइट सेक्शन रिपेयर कर दिया, यानी कि इसका जो कॉइल ख़राब होता है और कैप ख़राब होता है उसको चेंज कर दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उसके कुछ दिन बाद ये प्रॉब्लम फिर से आ जाती है, अगर आपने नोटिस किया हो तो, या फिर आपके पास कस्टमर आया हो तो। ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड हम सबसे पहले बात कर लेते कि ये प्रॉब्लम आती क्यों, तो बताना चाहूँगा कि इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो उस टाइम आती है इसमें जो कैप शॉर्ट होता है और कॉइल खराब होता है, जब इस फोन में मार्केट का कॉम्बो पड़ा हुआ हो, यानी कि फोल्डर पड़ा हुआ हो, साथ के फोल्डर में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अब देख सकते हैं ये मार्केट वाला फोल्डर है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब ये कस्टमर बार बार आता रहेगा 8-10 दिन बाद 15 दिन बाद, और फिर से ये प्रॉब्लम आती रहेगी। कस्टमर दोबारा से पैसा दे देगा पर तीसरी बार जब आएगा तो पैसे देने में दिक्कत करेगा। तो इसका मैं फाइनली सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप अगर ये फोल्डर मार्केट का पड़ा हुआ है, आपने फर्स्ट टाइम इसकी लाइट सेक्शन रिपेयर करके दिया है, तो कस्टमर से बोलो कि इसमें जो ब्राइटनेस है वो फुल करके ना चलाए, क्योंकि मार्केट के फोल्डर पर लाइट आई सी है वो खराब हो जाता है। ठीक है, उससे ये बोल के दो कि इसमें ब्राइटनेस है फुल करके ना चलाए। अगर वो गलती से फुल ब्राइटनेस ऑटो मोड में चला रहा है और फिर से प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका फाइनली सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सेम काम करना है पहले जो आपने किया है, कैप को चेंज करना है, कैप शॉर्ट हो जाता है एक, और एक कॉइल चेंज करना होता है। तो अब की बार जो कॉइल है वो आपको ये वाली कॉइल नहीं लगाना है, आपको दूसरा वाला कॉइल लगाना है, मैं माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास MI का मदरबोर्ड है, इसमें से मैं कॉइल लगाऊंगा। कॉइल आप किसी भी फोन में से लगा सकते हैं। आपको इस बार जो कॉइल लगाना है ये छोटा वाला लगाना है, जिससे BSN BSP बनती है, यानी कि 5V माइनस के 5V प्लस के बनती है। वो किसी भी फोन में लगा हुआ हो, किसी भी IC में लगा हुआ हो, वो वाला कॉइल आपको यूज करना है इस बार। आपको बड़ा वाला कॉइल जिससे लाइट बूस्ट होता है, लाइट के लिए लगा हुआ होता है, उसको नहीं यूज करना है। इस बार आपको यूज करना है BSN BSP वोल्टेज बनाने वाला, तो इस कॉइल को हम यूज करेंगे और एक इसके बगल में लगा कैप यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ कि इस कॉइल में और इस कॉइल में कितना फर्क है। फ्रेंड माइक्रोस्कोप के नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि मैं कौन सी कॉइल की बात कर रहा हूँ, कौन सा कॉइल है और कितना फ़र्क होता है, आप कैसे पहचान सकते हैं। तो ये कॉइल है, ये लाइट कॉइल है, और अब जो हम दूसरा मदरबोर्ड में से निकालेंगे वो हम ग्राफिक्स IC के लिए जो कॉइल यूज हुआ होता है 5V माइनस के और 5V प्लस बनाने के लिए, तो वो कॉइल यूज करने वाले। तो ये देख सकते हैं आकार में थोड़ा सा फ़र्क लगता है, बट हर मॉडल में ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि किसी में जो कॉइल है वो थोड़ा सा बड़ा हो या फिर छोटा भी हो सकता है। वैसे आप मान सकते हैं, कुछ कंपेयर करें हम इस कॉइल की, तो इस कॉइल में और इस कॉइल में थोड़ा सा साइज का फ़र्क हमारे लिए देखने के लिए मिलता है। तो ठीक है, ये हमारा लाइट कॉइल है, ये हमारा ग्राफिक्स कॉइल है, तो हम इसकी लाइट कॉइल की जगह ग्राफिक्स कॉइल लगाने वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैंने टेस्ट कर रखा है ऑलरेडी। और ये यहाँ पर जो कैप है वो पहले हमने बदला था, वही कैप इसमें शॉर्ट हुआ है, क्योंकि कलर में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। बाकी आप टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए या फिर डीप में इस फॉल्ट को समझने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से एक ही बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस कॉप को हम निकाल लेते हैं और क्या कॉइल को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। ये कॉइल हमारा लाइट का, ये दो ही कंपोनेंट इस मॉडल में ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं कि ये ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉइल को और कैप को निकाल लिया। अब हम जो MI के फ़ोन में से निकालने वाले हैं उसमें से हम कैप और कॉइल को निकालेंगे। ध्यान रखें कि कैप लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कैप नहीं लगाएंगे तो डिस्प्ले में जो लाइट है वो डिपर सी मारेगी, ब्लिंक करेगी, इसलिए कैप लगाना ज़रूरी है।
तो इस कॉइल को हम निकाल लेते हैं और कैप को भी निकाल लेते हैं, उसके बाद उस फ़ोन में हम लगा देंगे जो सैमसंग का A12 फ़ोन है। M12 A12 में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है ज़्यादातर, और ये ना समझे कि ये MI का फ़ोन है वो सैमसंग का फ़ोन है तो काम नहीं करेगा, करेगा भाई, ये डिपेंड करता है ये हेनरी पे कि इसके जो कॉइल है वो क्या हेनरी की है उस हिसाब से। बाकी टेस्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मैं टेस्ट करता हूँ, जैसे रिजल्ट सक्सेस होता है उस हिसाब से मैं वीडियो लेके आता हूँ। तो यहाँ पर कैप को लगा देता हूँ, ये लग गया, कॉइल को भी बैठा देते हैं। यहाँ पर कॉइल को मैं दोबारा से लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर नीचे सोल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो सोल्डिंग को हम कम कर देते हैं क्योंकि ये कॉइल ऊपर को उठा हुआ रहा है और ये मदरबोर्ड से टच नहीं हो रहा, तो हीट होते टाइम ये ख़राब होने का रिस्क रहेगा, तो इसे हम सोल्डिंग को निकाल के अच्छे से सटा देते हैं मदरबोर्ड से कि हीट सेंस मदरबोर्ड करे थोड़ा बहुत। तो ठीक है, यहाँ पर हमने सोल्डर को थोड़ा सा हटा दिया, उसके बाद हम इसी कॉइल को ज्यों का त्यों लगा देंगे। यहाँ पर कॉइल को मैंने ट्वीयर से थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा दिया है क्योंकि ये मदरबोर्ड से टच रहे हैं। अब हम टेस्टिंग की बारी है, टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं वही मदरबोर्ड है और वही कॉइल को मैंने यूज़ किया, एक बार मैं जूम करके दिखाऊंगा। और जो मैंने कॉइल निकाला है पहले कैप, और वो ये हमारी कैप और कॉइल ये वाले हैं, ठीक है, ये हमने निकाल दिए, ख़राब हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये कॉइल और कैप को हमने चेंज किया है, थोड़ा सा हीट है बट इतना हीट अभी नहीं, अब नहीं रहा है, आप ऑन करके देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर वो कॉइल वर्क नहीं करता है तो आप देख सकते हैं कि वो कॉइल हीट तो नहीं हो रहा है या फिर ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम इसमें आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगा या नहीं होगा, हीट तो नहीं होगा, क्योंकि हीट होगा तो ये फिर से ख़राब हो जाएगा। तो इसे हम ऑन करके देख लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा टेस्ट पॉइंट होती है इसमें ऑन करने के लिए, अभी ऑन नहीं हुआ, तो फिर से हम ऑन करके देख लेते हैं, टच नहीं हुआ तो शायद इस तरफ से हम टच करेंगे, ये टेस्ट पॉइंट होती है इसके ऑन करने के लिए पावर की। हाँ देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफिक्स आ चुका है, लाइट परफेक्ट है, सेट ऑन हो चुका है, सैमसंग A12 मॉडल है ये, तो पूरा ऑन होने देते हैं, उसके बाद टेस्ट करेंगे ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऑन होने देते हैं फ्रेंड, यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मैंने ब्लर किया है क्योंकि इस पे जो एक फीमेल का इमेज लगा हुआ है तो इसके लिए। तो यहाँ पर ब्राइटनेस हम कम ज़्यादा करके देख लेते हैं, देख सकते हैं अभी इसमें फुल ब्राइटनेस था इसीलिए ये कॉइल है वो ख़राब हुआ है, तो कम ज़्यादा हो रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कस्टमर बार बार आ रहा है तो आप इस मेथड को ट्राई कीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं स्टूडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग।